को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाने तथा भारत में प्रतिष्ठित कर राष्ट्रसभा घोषित कराने को लेकर संकल्पित संस्था हिंदी प्रसार प्रचार सेवा संस्थान द्वारा विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर तुलसी स्मारक भव्य अयोध्या में संगोष्ठी कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें भारी संख्या में तमाम साहित्यकार व रचनात्मक सम्मिलित हुए। समारोह की अध्यक्षता मध्य प्रदेश की धरती से आए वरिष्ठ साहित्यकार अशोक विवहारे, मुख्य अतिथि उदासीन संगत ऋषि आश्रम के श्री महंत डॉक्टर स्वामी भरत दास जी महाराज रहे। हिंदी प्रचार प्रसार सेवा संस्थान के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर सम्राट अशोक मौर्या ने सम्मान लिया। से मैं गवर्नमेंट टीचर हूं, बेसिक में जूनियर साइंस टीचर हूं, लेकिन आज समाज के हालात कैसे हैं, देश दुनिया में क्या हो रहा है, इंसानियत का कत्ल हो रहा है, लोग अपने कर्तव्यों से जा रहे हैं, विद्यालय जो शिक्षा मंदिर हैं वहाँ अनुशासन संस्कारहीनता है जिसका प्रभाव हमारे घर परिवार और समाज में दिखाई पड़ता है, तमाम ऐसे काम हो रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। इन सबको लेकर के मेरे दिलो दिमाग में जो आया वो छंद मुक्त काव्य संग्रह करके मेरा पहला काव्य संग्रह जो है एक आईना जिज्ञास की कलम से आज जो है हिंदी साहित्य प्रचार प्रसार सेवा संस्थान अयोध्या के बैनर तले जो है हमारे डॉक्टर भरतदास जी रानुपाली महंत जी और यहाँ और विद्वान कवि मध्य प्रदेश से आए हुए और यहाँ साहित्य संस्थान के समिति के सदस्यों के साथ इसका जो है लोकार्पण हुआ। मैं चाहता हूँ कि ये हिंदी को जो है विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए हिंदी में अच्छे काव्य पाठ और समाज की ज़रूरत के मुताबिक एक स्वच्छ संदेश दिया जा सके, ऐसी मेरी भावना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, हिंदी दिवस, हिंदी हिंदी हिंदुस्तान, जय शिक्षक, जय भारत। समाज आज के दिन भारत के जितने भी दूतावास हैं विदेशों में सब में हिंदी के संवर्धन के लिए, हिंदी के विकास के लिए, हिंदी को और विश्व स्तरीय भाषा घोषित करने के लिए विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और इसी उपलक्ष्य में चूँकि हम लोगों की संस्था हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने और विश्व की संपर्क भाषा घोषित करने के लिए संघर्षरत है विगत 2005 से, इसी क्रम में ये विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से हमारे तमाम साहित्यकार आए हुए हैं जो हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने और विश्व की संपर्क भाषा घोषित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास के तहत हम लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित पहले अपने देश में उसको सम्मानित किया जाए, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए जिससे हिंदी राष्ट्र में सम्मानित हो, और जब अपने देश में सम्मानित होगी तो निश्चित रूप से विश्व में भी सम्मानित होगी और विश्व की संपर्क भाषा बनेगी। जब विश्व की संपर्क भाषा बनेगी तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की शब्द, यहाँ का जो उदारीकरण है, उदारीकरण संस्कृति है, उसका प्रसार होगा और पूरे विश्व में एक अच्छा माहौल बनेगा, मानव मानव की तरह जीवन जिएगा, पशुता का आचरण छोड़ करके मानव सभ्यता का अनुकरण करेगा। इन्हीं उद्देश्यों के लिए हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं। अभी जो है पराई है भारत में, ये इतना है कि वर्तमान सरकार, भाजपा की सरकार, मोदी जी, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, वो हिंदी में संबोधन करते हैं पूरी दुनिया में, ये बहुत ही गौरव का बात है। तो इसके कारण भी जो ट्रांसलेटर वो रखना चाहे, कोई देश अपना रखे तो हिंदी में जो संबोधन होगा, हम अपनी संस्कृति को उजागर करते हैं पूरी दुनिया में, ये होना चाहिए और ये हो रहा है, ये बहुत बड़ा प्रयास है। और अभी हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी ने यह घोषणा किया कि शीघ्र ही हम भारत को हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित करेंगे। डॉक्टर सम्राट अशोक मौर्य, राष्ट्रीय महामंत्री, हिंदी प्रचार प्रसार सेवा संस्था। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन